अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व विख्यात फूलों की घाटी 1 जुलाई से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। नंदा देवी नेशनल पार्क के उपवन संरक्षक नंद वल्लभ शर्मा ने बताया कि फूलों की घाटी में पॉलीगोनम घास को उखाड़ने के साथ ही पुलिया मार्गों को सही किया जा रहा है। घाटी में लगभग 500 से ज्यादा प्रजाति के पुष्प खिले हैं और पर्यटकों के स्वागत के लिए फूलों की घाटी पूरी तरह से तैयार है। हालांकि पर्यटकों को यहां कोविड नियमों का पालन भी करना होगा। गौरतलब है कि फूलों की घाटी को सामान्य अवस्था में प्रत्येक वर्ष जून में खोल दिया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण बनी परिस्थिति में और लॉकडाउन के कारण इसे अब जुलाई में खोला गया है। 2020 में भी संक्रामक होने के कारण पर्यटकों की घाटी को 15 अगस्त को खोला गया था। पर्यटकों को एक कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जो है अनिवार्य है, और जो भी कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनका भी हमें पालन करना होगा। और विभाग द्वारा जो पैदल रास्ते हैं और जो पुल हैं उनकी भी मरम्मत जो है वो की जा चुकी है, और कुछ भी पॉलीगोनम हटाने का जो कार्य है वो वैली में चल रहा है। इस बार वैली में लगभग 50 जो फ्लावर्स हैं उनकी स्पीशीज़ जो है वो खिली हुई हैं, और जुलाई माह में और भी जो फ्लावरिंग स्पीशीज़ हैं उनके भी खिलने की उम्मीद है।